वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई लॉन्च हुई वीडियो सीरीज में आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको जानकारी दी थी, ये सीरीज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाते, जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, जिनकी तैयारी बड़े अच्छे से नहीं हो पाती और परीक्षा के पास वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ा जाए और कहाँ से शुरुआत की जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट घर बैठे ही उपलब्ध करवाने का मेरा प्रयास है। इसके तहत ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज पहला लेक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कैसे करें, इम्पोर्टेंट क्या है, पेपर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पूछी जाने की संभावना है, इन्हीं बातों पर गौर करते हुए मैंने पाया कि कुछ आसान टॉपिक बार बार लगातार पूछे जाते हैं। इनको यदि विद्यार्थी तैयार कर लें तो न केवल उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि उनको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, सब्जेक्ट के प्रति डर है वो कम होगा। इसी के अंतर्गत इस यूनिट में ये देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के चारों संबंध प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में लगातार बार बार पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2011 में, MGSU में 2018, 2014, 2013, कोटा यूनिवर्सिटी में 2009 में, 2014 में, अजमेर में 2010 में, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। विद्यार्थियों, एक बात का और ध्यान दें, खास करके MGSU के स्टूडेंट, अब पेपर का पैटर्न बदल गया है। तीन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, डेढ़ डेढ़ अंक के क्वेश्चन आएंगे, तीन तीन अंक के क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा और डीपली पढ़ना जरूरी हो गया है। इसलिए आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ें। जो लंबे टॉपिक हैं उनमें बीच में से छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इस चीज़ को समझें, पढ़ें। और जो भी ये वीडियो में डाल रहा हूँ, बेहद सरल भाषा में अलग अलग किताबों से कंसल्ट करके एक सार तत्व के रूप में, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखें। एक बार देखें, एक बार में कुछ चीज़ें आपके समझ में आएंगी, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बड़े अच्छे से आपको ये टॉपिक तैयार होंगे। इसी श्रृंखला में मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि अधिक से अधिक कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। इसमें लगातार इस वीडियो सीरीज को मैं एनहेंस करता रहूँगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें और कंटेंट आप तक लाता रहूँगा। शुरू करते हैं मैक्सवेल रिलेशन। सभी ऊष्मागतिक तंत्रों की अवस्थाओं को चार ऊष्मागतिक चरों दाब P, आयतन V, ताप T एवं एंट्रोपी S द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहली दो लाइनें। छोटा क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जाता है कि चार ऊष्मागतिक चरों के नाम लिखिए, तो ऊष्मागतिक तंत्रों की अवस्थाओं को ये चार ऊष्मागतिक चर हैं वो निर्धारित करते हैं। तो चार ऊष्मागतिक चर कौन से होगी, दाब पी, आयतन वी, ताप टी और एंट्रोपी एस। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त तो फलनों आंतरिक ऊर्जा यू, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन एफ, गिब्ज मुक्त ऊर्जा फलन जी
और एंथैल्पी एच को इन चरों, इन चारों चरों PBTS के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इन चारों फलनों को ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं, क्योंकि ये यांत्रिकी या विद्युत निकायों की भांति ऊष्मागतिक निकायों में परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं। इन दो पैराग्राफ में, छोटे छोटे दो पैराग्राफ में आपके तीन क्वेश्चन बन गए हैं। ध्यान से समझें, चार ऊष्मागतिक चर कौन से हैं? PVTS, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी। दूसरा क्वेश्चन, ऊष्मागतिक विभव कौन कौन से हैं? आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा F, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G और एंथैल्पी H। ये चारों ऊष्मागतिक विभव हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इनको ऊष्मागतिक विभव क्यों कहते हैं? इसका आंसर ये रहा, क्योंकि ये यांत्रिकी या विद्युत निकायों की भांति ऊष्मागतिक निकायों में परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन चारों को ऊष्मागतिक विभव कहते हैं। यू एफ जी एच, ये जो चारों ऊष्मागतिक विभव होते हैं, इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या? ये देखिए, ये चारों फलन यथातथ अवकल होते हैं, यानी परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, अर्थात इनका किन्हीं दो चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलन अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इन चारों फलनों में, कौन सों में? यू एफ जी एच में ये गुण पाया जाता है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है? कि इनका किन्हीं दो चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलन अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता। चर हमारे पास ये रहे PVTS, किन्हीं भी दो के सापेक्ष यदि हम इनका आंशिक अवकलन करें तो वो क्रम पर निर्भर नहीं करता, चाहे P के सापेक्ष करें, उसके बाद V के सापेक्ष करें, या पहले V के सापेक्ष करें बाद में P के सापेक्ष करें, इससे परिणाम में कोई चेंज नहीं होता। आगे ये बात आप और अच्छे से समझेंगे। मैक्सवेल ने ऊष्मागतिक विभवों के उक्त गुणों का उपयोग कर ऊष्मागतिक चरों PVTS में चार संबंध प्राप्त किए। इन संबंधों या समीकरणों को मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन आखिर क्या है? चार ऊष्मागतिक विभव यू एफ जी एच, इनके यथातथ अवकल होने के गुण का उपयोग करके मैक्सवेल ने उसका फायदा उठाया और उसने क्या किया, चारों जो ऊष्मागतिक चर हैं PVTS, इन चारों में चार संबंध प्राप्त किए और इन्हें ही मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स की ये शाखा थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी टफ जरूर है, शुरुआत में आपको टफ लगेगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ, इसी वीडियो को आप दो या तीन बार देखिए, आपको ये ऐसा कंठस्थ याद हो जाएगा, ये टॉपिक इतना सरल आपको लगेगा कि आप हमेशा के लिए इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ये आपके काम आएगा। तो निराश ना हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान से लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार। अब हम आते हैं मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति पर। तो मैक्सवेल समीकरण क्या है? चारों ऊष्मागतिक चरों में संबंध हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन है। कैसे प्राप्त करेंगे? चार जो ऊष्मागतिक विभव हैं उनके अचूक डिफरेंशियल होने के गुण का उपयोग करके हम इनको प्राप्त करेंगे। पहला, प्रथम मैक्सवेल समीकरण, इसे प्राप्त करने के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम के संयुक्त रूप का हम उपयोग करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसे हम लिखते हैं du बराबर dq माइनस pdv। वास्तव में नियम क्या होता है? dq बराबर du प्लस pdv, यानी किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और शेष भाग
परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है DQ बराबर DU प्लस PDU। तो DU बराबर क्या आएगा? DQ माइनस PDU। आगे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं DU बराबर TDS माइनस PDV। DU बराबर TDS माइनस PDV। TDS कहाँ से आ गया? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से DQ बराबर TDS। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिए, DU बराबर है TDS माइनस PDV, यानी U जो है वो फंक्शन है S और V का। U S और V का फलन है। तो S और V को स्वतंत्र चर लेते हुए U का आंशिक अवकलन करें। बारी बारी से हम एक बार V को फिक्स रखें, S में परिवर्तन करें, एक बार S को फिक्स रखें, V में परिवर्तन करें। देखिए, जब V नियत है, पहली कंडीशन में जब V नियत है तो dV जीरो होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ अपने पास dU बराबर TdS, तो dU बाई dS बराबर होगा T, और हम आंशिक अवकलज में ले रहे हैं, तो डेल U बाई डेल S कॉन्स्टेंट है V बराबर आ गया। इसी प्रकार जब S को नियत रखें तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी, जब नियत है तो DS जीरो, यानी परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो ये जीरो, तो DU बराबर माइनस PDV, तो हमारे पास डेल U बाई डेल V बराबर माइनस P, ये आ गया। अब चूंकि U यथातथ अवकल है, हमने शुरू में भी बात की थी कि चारों ऊष्मागतिक विभव जो हैं वो एग्जैक्ट परफेक्ट डिफरेंशियल है, और हमें उस गुण का फायदा उठाना है, उसका लाभ उठाना है। तो U परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब U का आंशिक अवकलन करें वो क्रम पे निर्भर नहीं करेगा। तो हम U दोनों S और V का फंक्शन है, और हम इसका आंशिक अवकलन करें, पहले S के सापेक्ष V कॉन्स्टेंट, फिर V के सापेक्ष S कॉन्स्टेंट। ये बराबर होगा, हम U का V के सापेक्ष करें S कॉन्स्टेंट, और बाद में S के सापेक्ष करें V कॉन्स्टेंट। ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। अब बस कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों समीकरण से इसमें मान रखना है डेल U बाई डेल S T। तो इस कोष्टक की जगह T लिखना है, तो डेल T बाई डेल V कॉन्स्टेंट S, डेल टी बाई डेल वी कॉन्स्टेंट एस बराबर क्या आ जाएगा? डेल यू बाई डेल वी माइनस पी, माइनस बाहर रख लिया, अपने पास आ गया डेल पी बाई डेल एस कॉन्स्टेंट वी। ये इक्वेशन, ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है? डेल टी बाई डेल वी कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस कॉन्स्टेंट वी, इक्वेशन नंबर 5, और ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। दोबारा याद करिए, मैक्सवेल समीकरण क्या है? ऊष्मागतिक चरों में संबंध है। देख लो, चारों ऊष्मागतिक चर ही हैं यहाँ, पी वी टी एस, चारों में संबंध है, इसे मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। किसकी सहायता से प्राप्त किया? ऊष्मागतिक विभव, पहले हमने यू की सहायता ली, दूसरे के लिए हम एफ की सहायता लेंगे, तीसरे के लिए हम H की सहायता लेंगे, और चौथे के लिए हम G की सहायता लेंगे। तो ऊष्मागतिक विभवों को प्रयुक्त करते हुए, उनके परफेक्ट डिफरेंशियल गुण को प्रयुक्त करते हुए, हम ऊष्मागतिक चरों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, और ये मैक्सवेल समीकरण है, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। अब की बार हम काम में लेंगे F, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन F बराबर ये होता है, ये सूत्र आपको याद रखना है, F बराबर U माइनस टी एस। U आंतरिक ऊर्जा, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, F इक्वल टू U माइनस टी एस। डिफ्रेंशिएशन करें, dm बराबर du माइनस T, और S दो राशियां हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएशन बारी बारी, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। सो df इक्वल टू du का मान रखते हैं, पहले भी हमने काम में लिया था du इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये मान रख दिया टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस इज कैंसल्ड बाई टी डी एस, वी गेट डी एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए, एफ वी और टी का फलन है, एफ वी और टी का फलन है,
बिल्कुल पहली तरीके से हम दोबारा आंशिक अवकलन करेंगे। एक खास बात है, एक समीकरण ज्ञात करने में आपको जोर आएगा निगमन में, बाकी वही स्टेप हमें फॉलो करनी है। केवल हर बार क्या बदलेगा, उष्मागतिक विभव बदलेगा। पहले यू काम में लेंगे, फिर एफ काम में लेंगे, फिर एच काम में लेंगे, बाद में जी काम में लेंगे। स्टेप वो की वो ही आती रहेंगी। हमें उष्मागतिक विभव काम में लेना है, उसका व्यंजक रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर आंशिक अवकलन करने हैं, फिर परफेक्ट डिफरेंशियल उसका जो प्रॉपर्टी है उसको काम में लेना है और समीकरण प्राप्त करना है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही हम कर रहे हैं। एफ फंक्शन है वी ओ टी का। अब हम बारी बारी से आंशिक अवकलन करें, एक को नियत रखें। हमने पहले वी को नियत रखा तो ये टर्म जीरो हो गई, तो डेल एफ बाई डेल टी बराबर माइनस एस, ये आ गया। फिर हमने टी को नियत रखा, ये टर्म जीरो हो गई, तो डेल एफ बाई डेल बी बराबर माइनस पी, ये इक्वेशन हमारे आ गई। अब क्या करेंगे, जरा गैस करिए ऊपर वाले के हिसाब से आगे हम क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। हम एफ के परफेक्ट डिफरेंशियल होने का फायदा उठाएंगे। परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि एफ का किन्हीं दो चरों के साथ आंशिक अवकलन क्रम पे निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए, चूंकि एफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, एफ जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, पहले एफ का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर वी के सापेक्ष करेंगे, टी को कांस्टेंट रखेंगे। यही काम हम उल्टा करें, एफ का वी के सापेक्ष, टी कांस्टेंट, फिर टी के सापेक्ष वी कांस्टेंट, तो ये दोनों बराबर होंगे। पिछले दोनों समीकरणों से मान रख देंगे, डेल एफ बाई डेल टी बराबर माइनस का एस था, माइनस बाहर आ जाएगा, डेल एस बाई डेल वी टी, ये आ गया। डेल एफ बाई डेल वी हमारे पास माइनस का पी था, माइनस फिर बाहर आ जाएगा, तो डेल पी बाई डेल टी पी, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया द्वितीय मैक्सवेल इक्वेशन। अब तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन, दो इक्वेशन निकालने के बाद निश्चित रूप से आपको रास्ता ट्रैक याद हो गया होगा पूरी तरह से। आगे तो केवल रिवाइज है और हमें ये देखना है कि कौन सा उष्मागतिक विभव काम में लें। ये बात आप याद रख लें, ये बात आप याद रख लें। 1 2 3 4 पहले मैक्सवेल इक्वेशन के लिए यू को काम में लेते हैं, दूसरे के लिए एफ को काम में लेते हैं, तीसरे के लिए एच को काम में लेते हैं और चौथे के लिए जी को काम में लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तृतीय मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हम काम में लेने जा रहे हैं एच। तो उष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा अर्थात एंथैल्पी, एच का सूत्र होता है यू प्लस पी वी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एच बराबर यू प्लस पी वी। अवकलन कर दें, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू इसका दो बार, एक बार पी का एक बार वी का, सो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू के बराबर होता है और उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ये डी क्यू है उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, और उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी क्यू क्या है, टी डी एस है, तो डी एच बराबर आ गया टी डी एस प्लस वी डी पी। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एच किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है और पी का फंक्शन है। एच इज फंक्शन ऑफ एस एंड पी। अब हम बारी बारी से एक को फिक्स रख के दूसरे के साथ इसका आंशिक अवकलन लेंगे। पहले हमने पी को कांस्टेंट रखा तो ये टर्म जीरो हो गई, डेल एच बाई डेल एस पी इक्वल टू टी। फिर हमने एस को कांस्टेंट रखा, ये टर्म जीरो हुई, डेल एच बाई डेल पी इक्वल टू वी। अब चूंकि एच उष्मागतिक विभव है इसलिए एच एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, इस प्रॉपर्टी को हमने काम में लिया, तो डेल एच बाई डेल एस, एक बार एस के सापेक्ष पी कांस्टेंट, फिर पी के सापेक्ष एस कांस्टेंट, ये बराबर होगा पी के सापेक्ष एस कांस्टेंट और फिर एस के सापेक्ष अवकलन और पी कांस्टेंट, यानी क्रम चेंज करने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा।
अब हम इन दोनों समीकरणों से मान रख देंगे डेल एच बाई डेल एच बराबर टी, यहाँ हमने टी रखा तो डेल टी बाई डेल पी, डेल टी बाई डेल पी कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी वी, तो डेल वी बाई डेल एस कॉन्स्टेंट पी, ये हमारे पास तृतीय मैक्सवेल इक्वेशन। और इस प्रकार चतुर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, अब आपको पूरी तरह से ध्यान आ गया होगा पूरा ट्रैक, ये केवल मात्र रिवीजन है अपने लिए। और जैसा कि मैंने बताया था चौथे मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हम किसको काम में लेंगे, जी गिव्स मुक्त ऊर्जा फलन जी की परिभाषा से जी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहाँ एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, तो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ से एच का मान रखें, एच बराबर यू प्लस पी वी, तो जी बराबर यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब अवकलन कर दें, डी जी बराबर डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू होता है, और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि डी क्यू बराबर टी डी एस है, और टी डी एस से डी डी एस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये दो टर्म बची, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, अर्थात जी चर पी और टी का फंक्शन है, जी किसका है, पी और टी का फलन है। बिल्कुल उसी तरीके से हम एक एक को कांस्टेंट रखेंगे, हमने पी को कांस्टेंट रखा, ये वाले टर्म जीरो हो गई, तो डेल जी बाय डेल टी कांस्टेंट पी बराबर माइनस एस, टी को कांस्टेंट रखा ये टर्म जीरो हो गई, डेल जी बाय डेल पी कांस्टेंट टी इक्वल टू वी। अब हमने जी के परफेक्ट डिफरेंशियल होने का फायदा उठाया, तो परफेक्ट डिफरेंशियल होने का क्या तात्पर्य है कि जी का जो आंशिक अवकलन है, जो द्वितीय आंशिक अवकलन है, वो अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ हमने टी के साथ पहले अवकलन किया, पी को कांस्टेंट रखा, फिर पी के साथ किया, टी को कांस्टेंट रखा, दूसरी बार क्रम बदल दिया, पी के साथ पहले किया, टी को कांस्टेंट रखा, बाद में टी के साथ किया, पी को कांस्टेंट रखा, इस समीकरण में इन दोनों समीकरण से मान रख दिए, डेल जी बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एस, माइनस बाहर आ जाएगा, डेल जी बाई डेल पी बराबर वी, वी रख दिया, तो अपने पास आ गया डेल एस बाई डेल पी टी, और डेल वी बाई डेल टी पी माइनस, ये माइनस यहाँ लगे, यहाँ से जो माइनस आएगा उसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस, ये चतुर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। प्रिय विद्यार्थियों, एक जल्दी से रिकैप, आपको इन समीकरणों को याद रखने के लिए किस तरह से याद रखना पड़ेगा, एक छोटा सा रिकैप मैं आपको देता हूँ। चार चर पी वी टी एस, चार विभव U, F, H, G, इन चारों की सहायता से इनमें संबंध स्थापित करना, ये ही मैक्सवेल के इक्वेशन है। इनको बारी बारी से हम इस्तेमाल करेंगे, इससे इक्वेशन नंबर वन आएगा, ये दो नंबर देगा, ये तीन नंबर देगा, ये चार नंबर देगा। हम कौन से गुण का उपयोग करेंगे, इनके यथातथ अवकल होने के गुण का उपयोग करेंगे, इनके फॉर्मूले रखेंगे, अवकलन करेंगे, जिससे हर स्टेप में हमें, हर फॉर्मूले में हमें ये प्राप्त होगा कि ये किन्हीं दो चरों का फलन है, उन दो चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फिर परफेक्ट डिफरेंशियल होने के गुण का उपयोग करेंगे और संबंध स्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें चारों मैक्सवेल इक्वेशन प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आपका कोई सुझाव हो, आपको कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो की आवश्यकता हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।